अगे स्टार्ट करते हैं। मैं थ्यूरम करवाउन लगा 2.3.10 जी बी ए साइकिलिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। असल च कन्वर्स ऑफ लंगरांजेस थ्योरम है। ये कहते हैं कन्वर्स ऑफ लंगरांजेस थ्योरम है जो ट्रू होंदा किदे वास्ते, सिर्फ ते सिर्फ साइकिलिक ग्रुप वास्ते। साइकिलिक ग्रुप वास्ते ये कन्वर्स है जो ट्रू होंदा। आपां ये चीज़ शो करनी है। पहला तो कन्वर्स ऑफ लंगरांजेस थ्योरम है की सी, आपां करना शो दैट, कन्वर्स ऑफ लंगरांजेस थ्योरम इज ट्रू फॉर, सब तो पहला ग्रुप है जिहड़ा वो फाइनाइट होना चाहिए, फिर साइकलिक होना चाहिए, उहदे वास्ते कन्वर्स ट्रू है। पहला तो आप कन्वर्स देखिए कि हुंदा की है। कन्वर्स होगा, आप लंगरांजेस थ्योरम उदों डिस्कस की सी, उहदा मतलब की सी कि एच एक सब ग्रुप आ जी दा, दैन ऑर्डर ऑफ एच आ मान लो वह एम आ, ऑर्डर ऑफ जी आ जिहड़ा मान लो एन आ, तो की होगा एम डिवाइड करेगा एन नू। इत्थे जे ध्यान नाल देखो तो सारे कासे च लभ्या की गया, लभ्या अपने कोल एच सब ग्रुप आ, तो होया की, सॉरी मैं कहना सी इस सारे च होया की आ, आ चीज़ हुई एम ने एन नू डिवाइड करता, आ चीज़ आप प्रूव की है। कन्वर्स च की होगा, लैट एम डिवाइड एन होंदा, तो लभ के की दिखावांगे, वी हैव टू फाइंड एच सब ग्रुप फाइंड करना सच दैट उहदा ऑर्डर की आ किन्ना होवे एम होवे। मतलब देखो एन की आ, ये तो फिक्स हो गया, ऑर्डर ऑफ जी है जिहड़ा वह एन मैं मान चुकिया, ये फिक्स आ इस पार्ट च भी इस पार्ट च भी। हुण इत्थे की होया, इत्थे आपां सब ग्रुप लभ्या सीगा, उहने एन नू डिवाइड करता सी उहदे ऑर्डर ने, इत्थे मैं एम ने डिवाइड करता तो मैं उस ऑर्डर का सब ग्रुप लभ के दिखा, समझ लगते हो। ये चीज़ इत्थे प्रूव की गई, इत्थे ये मन ली गई, इत्थे आ चीज़ मनी बैठे हाँ तो आ चीज़ प्रूव करनी है, इत्थे समझ लगे पुट्ठा हो गया। सो मैं की मनूंगा इत्थे, लैट जी जनरेटेड बाय ए बी अ साइकलिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, लैट एम डिवाइड करदा एन नू, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड अ सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर, सब ग्रुप लभना ऑफ ऑर्डर एम, एम ऑर्डर का सब ग्रुप लभना किवें लभगे, वी नो दैट एलीमेंट्स ऑफ जी आर ऑफ द फॉर्म, किहे जे होणगे जी दे एलीमेंट, जिहड़े ए दियां पावरां होणगियां इहे जे एलीमेंट। एक चीज़ होर तुसीं आपां प्रूव कीती सी कि ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के की हुंदा, ऑर्डर ऑफ एन जाने कि ऑर्डर ऑफ ए वह किन्ना, ओबियसली जे जी का ऑर्डर एन आ तो यदा मतलब ऑर्डर ऑफ जी तो ऑर्डर ऑफ ए की होगा इक्वल। साइकलिक मैं तुम्हें अगे भी शो किया होया कि ग्रुप का ऑर्डर है जोड़ा एलीमेंट के ऑर्डर के बराबर हों, ए का ऑर्डर भी एन ही होगा। सो इतने आप वैसे रिजल्ट आ हों, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए तो इस पावर दी जी सी डी, ए की बन गई एन, ऑर्डर ऑफ ए की एन, एन तो के दी जी सी डी आ होगा ऑर्डर ऑफ ए। हुण आपां कुछ चीज़ां मनणियां, ठीक है, वह आप देख लें की आ, इनू वन लिख लो। आ चीज़ तो आपां नूं की पता लग्या, क्लीयरली एम डिवाइड एन करदा, इट इंप्लाइज एन बाय एम की होगा, कोई ना कोई इंटीजर हो, मैं मान लिया क्यू है, एन की आ गया, फिर एन बाय एम इंटीजर हो, एन की आ गया कुछ एम क्यू दे बराबर आ जूगा, ठीक है जी। अच्छा हुण जे मैं तुहानूं कहां कि ए दी पावर के क्यू दा ऑर्डर दसो, तुसीं कहोगे ठीक है सर इत्थे जिथे जिथे ए आ उत्थे तां ए ही आऊगा, पर जिथे इत्थे के सी इत्थे क्यू आ, सो इत्थे भी क्यू आ जूगा, की आ गया एन एन क्यू,
यही आ जूगा ना। अच्छा अगे एन उमें आ गया, एन की जगह तो इतने एम क्यू रख लिया, इतने की आ गया क्यू, एन की जगह एम क्यू रख सकता मैं, रख लिया एन, इतने की आ गया एम क्यू तो क्यू। अच्छा मैंने दसो एम क्यू तो क्यू चो सब तो वड्डी चीज़ जी कॉमन निकल सकती है वह की है, क्यू बाहर कढ लिया एम माइनस वन आ चीज़ आ गई। सो सब तो वड्डा की आना सी क्यू ही बाहर आता इन्हों दोहां चो, इतने कौमा पा लो इतें भी कौमा पा लो, जाने कि एम क्यू तो क्यू की जी सी डी की होगी, आ जी सी डी लिखी हुई है ना थले, ये जी सी डी लिखी सी मैं, जे नहीं भी दस्या तो दस दिना, एम क्यू तो क्यू की जी सी डी कि होगी क्यू। तो यह मैंने दसो फिर भी एन बाय क्यू की वैल्यू की है, इतों कढ़ लो एन बाय क्यू की वैल्यू, क्यू नीचे लै जाओ अपने को एन बाय क्यू की आ गया एम, सो एन बाय क्यू की वैल्यू की आ गई एम, की आ गया अपने को पावर क्यू का ऑर्डर कि आ गया एम। सो अपने को एक चीज़ आ गई क्लीयरली ऑर्डर ऑफ ए की पावर क्यू इज की होगा एम होगा। नाउ लैट एच मैं मान लिया जिहड़ा ए की पावर क्यू तो जनरेट होंदा, ठीक है। हुण मैनू एक गल दसो क्लीयरली ए की होगा इज सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ऑफ जी क्यों होगा, मैं तुहानू अगे भी दस्या सी कि जे ए जी नूं बिलोंग करदा तो एच जिहड़ा ए तो जनरेट होगा इहदा सब ग्रुप बन जूगा। हुण तुसीं कहोगे कि सर ए की पावर क्यू किवें, मैं कहूँगा जे ए जी का एलीमेंट आ, ओबियसली ए जी का एलीमेंट आ जनरेटर आ, तो फिर ए की पावर क्यू की दा एलीमेंट होगा जी का एलीमेंट होगा। सो यह जिहड़ा एलीमेंट आ जे मैं इस तो जनरेट कराऊँगा किसी सैट नूं तो वह सैट की बनूगा इसे का सब ग्रुप, समझ लगी। जिमें के सॉरी जिमें अपने को मान लो टी जे जी नूं बिलोंग करता तो टी जी तो भी जनरेट जिन्हों जनरेट करूँगा मान लो एच आ तो एच जी का सब ग्रुप आ गया, इतने टी की जगह पर की आ गया ए क्यू आ गया। इस रिजल्ट नूं वरत्या आपां इत्थे ए लिया सीगा तो इत्थे मैं टी वी लैके दिखाता, सो टी की आ गया ए क्यू आ गया, सो ऑब्वियसली ये सब ग्रुप होगा, इन्हें शो करन दी लोड़ नहीं है, सब ग्रुप ऑफ जी। एंड क्लीयरली दिसी जांदा ए क्यू तो जनरेट हो रहा राजे, ए क्यू तो जनरेट। अच्छा आ चीज़ आ जिहड़ी मैं तुहानूं मैं फिर डिस्कस कर लैना, तुहानूं लगेगा भी ये कदों शो किया राजे, एच ए इहदे च एलीमेंट किहे जिहे होणगे, ए दी पावर कोई ना कोई। हुण तुहानूं शायद याद आवे भी आपां शो कीता सी भी ए दी पावर एम आ जिहड़ा इह सब ग्रुप बन जांदा की दा जी दा, मैं तुहानूं दिखाया सी भी ए दी पावर एम ते इहदे चों इक होर एलीमेंट लौंगे उह की होगा ए दी पावर एम वन, ए दी पावर दूसरा एलीमेंट लै लिया एम टू, तो इन्हां दोहां दी प्रोडक्ट करांगे की बन गया एम वन प्लस एम टू। आ देखो आह इंटीजर ही है ना, यदा मतलब ये फिर एच नूं बिलोंग कर गया। सो आपां एक रिजल्ट कीता सी जे एक्स ते वाई एच दे एलीमेंट आ, एक्स वाई इहनूं बिलोंग कर जे एच नूं तक बाय क्लोजर प्रॉपर्टी कल कोई चैक करनी होंदी आपां फाइनाइट च, फाइनाइट ग्रुप जदों एच नूं सब ग्रुप शो करवाउणा कल्ली क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत, अदरवाइज़ तां अपने कोल आह रिजल्ट आ ना एक्स वाई इनवर्स बिलोंगस टू एच ये शो करना हुंदा, पर जदों फाइनाइट होवे कल्ली प्रोडक्ट ही कर दो, तो प्रोडक्ट तां पता ही है इहनूं चकूंगा ए एम वन लै लिया फिर ए एम टू लै लिया, इहो जिही एलीमेंट है एच च प्रोडक्ट फिर एच च आ जाणी है, क्यों क्योंकि पावर एम वन प्लस एम टू ये फिर इंटीजर ही बन जाणी है तो एच च पहुँच ही जाणी है, सो एच सब ग्रुप होगा। सो इस तरह के सैट नूं ही इदां लिखा जाता हों, जो मैं जी जनरेटड बाय ए लिखदा दैट मीनस ए की पावर एम ही है, ये एम बिलोंगस टू जैड जां के लिख लो एम की जगह पर। सो इतों मेरे को आया कि जेड़ा क्लीयरली एक ही हो गया सब ग्रुप राजे। बस मैं सीधा जहाँ एक रिजल्ट थानू दसना चाहना, एच की पावर टी जे जनरेटेड बाय टी होवे, टी जे जी नू बिलोंग करता दैन एच ए का सब ग्रुप होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सब ग्रुप लभण च आपां नूं, ठीक है। तुसीं कहोगे ये चीज़ कित्थे शो की सी, मैं फिर एक चीज़ दस दिना कि यह सैट है जिहड़ा इहदे च टी दीआं पावर आ, सो टी दीआं पावर किहे जिहीआं होणगीआं, कुछ इहे जिहीआं, अपने कोल जी फाइनाइट दित्ता सी, जे नहीं भी दित्ता मान लो नहीं दित्ता कोई ना फाइनाइट, तो इहदे च एक एलीमेंट लौंगे टी की पावर के वन, दूसरा लौंगे टी की पावर के टू, टी की पावर के वन तो इत्थे टी की पावर के टू, अनवर्स वाली प्रॉपर्टी ला दो, जे मान लो फाइनाइट नहीं दित्ता तो अनवर्स वाली ला दो,
की बन जूगा यह टी की पावर के वन माइनस के टू। तो राजे आ इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही रहेगा, आप कल पावर देखनी है के वन इंटीजर आ के टू इंटीजर आ दोवे डिफरेंट इंटीजर आ इंटीजर होगा तो एच न बिलोंग कर जूगा। सो फाइनाइट भावें ना भी हो भी जे टी जी बिलोंग करता तो एच जनरेटड बाय टी वह सब ग्रुप बनी जाना, एच जनरेटड बाय टी इदा भी लिखा जा सकता। हूँ इतने ए की पावर क्यू आ क्लीयरली क्योंकि अपने को ए की पावर क्यू जी का एलीमेंट से, सो यह एच कि हो गया सब ग्रुप जी का हो गया। सो क्लीयरली ऑर्डर ऑफ एच आ जोड़ा की होगा जनरेटर के एलीमेंट के बराबर, जनरेटर की है ए की पावर क्यू ए कि एम। सो आह देखो ऑर्डर ऑफ एच की है एम बन गया तो एच की है सब ग्रुप। सो एम ऑर्डर का सब ग्रुप लभता ना आप एम डिवाइड करता सी, देखो एम जोड़ा एन डिवाइड करता सी ते आ दे सॉरी ए नहीं आ देखो एम एन एन डिवाइड करता से उस ऑर्डर का सब ग्रुप लग जाता अपन। देर फोर देर एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, पर आप शो करना यूनीकली मतलब इकलौता यही, इस तो अलावा होर कोई सब ग्रुप ना हो। देखो यूनीक सब ग्रुप भी एक ही मिलता इस ऑर्डर का साइकलिक च होर कोई नहीं मिलना। हुण यूनीकनेस वास्ते की करूँगा मैं मान लूँगा भी एक होर हैगा, लेट फॉर यूनीकनेस लेट एच डैश जनरेटेड बाय ए एल बी अनदर सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एम। यह मैं मान लिया अगे ए दी क्यू तो जनरेट होने वाला एक लभ लिया, हूँ मैं शो कर लगा भी यह जरा ए दी एल तो जनरेट होने वाला। हूँ प्रूव की करूँगा टू प्रूव करूँगा कि असल च एच डैश जरा नवा ना ये पुराने के बराबर ही है, मतलब नवा लभना ही नहीं कोई, जे लभूगा तो पुराना होगा क्लीयरली क्योंकि यदा ऑर्डर किन्ना एम आ एच डैश का भी यद मतलब ऑर्डर ऑफ एच डैश आ जोड़ा वो कि बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए एल दे, ए एल का ऑर्डर भी कि आ गया एम। ठीक है जी, हुण तुसीं की करना अपने कोले जिहड़ा एल आ ए दी पावर एल आ ए दी मैं जदों एम करूँगा तो की बनूगा ओबियसली आइडेंटिटी क्योंकि ए दी एल दा ऑर्डर एम आ। सो इस तो मैं ये नहीं लिख सकता एम एल जिहड़ा हो की हो गया आइडेंटिटी दे बराबर बन गया है ना, इहनू आई रख लो टू पा लो। चलो हुण की करो अपने को दो नंबर आ रहा जे एक एल तो एक क्यू, इन्हों पर डिविजन एलगोरिदम ला दो एल तो क्यू ते बाय डिविजन एलगोरिदम एल आ जिहड़ा मैं आई लिख सकता के क्यू प्लस आर। हुण ये याद रखियो भी क्यू नू इधरले पासे रखीदा, ये दिमाग रखना पैना जिहड़ा आर आ की होगा जीरो तो आ डिवाइजर आ क्यू तक के कोशंट आ। ठीक है ते हुण आ तो लिख सकदा मैं डिविजन एलगोरिदम। अच्छा इस चीज़ नूं तुसीं आए भी लिख सकते सी क्यू इत्थे के वन आ जाना सी एल आर डैश आ जाना सी, आर डैश आ जिहड़ा ये एल तो लैके जीरो तक होना सी, आए भी एल नूं दूजे पासे भी लिख सकते सी, पर ये चीज़ नूं तुसीं दिमाग च रखोगे हुण दिमाग च रखना पैना। उस तो बाद आए करो आ एम एल सी ना इहनूं एम ना प्रोडक्ट कर दो एम एल एम के क्यू प्लस एम आर इत्थे एम आर आ जिहड़ा की होगा एम क्यू दे विच सारे नू एम ना प्रोडक्ट करता, इनू भी करता इनू भी करता एम आर आ जिहड़ा ये की है एम क्यू तो छोटा हो गया, एम क्यू किहदे बराबर आपां शुरू च लिया सी एन दे बराबर, सो एम आर आ जिहड़ा ये एन तो छोटा हो गया। हुण एक चीज़ देखो अपने कोले ए दी पावर एम एल तो फिर चल पो जिहड़ा कि की आ चुकिया आइडेंटिटी आ चुकिया, इत्थे ए दी पावर एम के क्यू प्लस एम आर लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, एम एल दी वैल्यू भरती। फिर अगले स्टेप च ए दी पावर तुसी एम क्यू इकट्ठा कर लो, ए दी पावर एम क्यू इकट्ठा कर लिया ते के उपर रख लिया। ठीक है इतने फिर ए की पावर एम आर नाल आ जूगा क्योंकि बेस सेम है, इतने प्रोडक्ट है जी एडिशन है प्रोडक्ट च बदलूगी ना,
बेसेम एडिशन आ जी प्रोडक्ट सैपरेट हो जूगी मतलब पावर इतने प्रोडक्ट आऊगी ना ये तो बेसिक काम ए आ गया ए की पावर एन क्यू ए की पावर एम आर हुण राजे मैं तुहानू उदन रिजल्ट करवाया सी कि ए की पावर जे इत एन एन की आ ऑर्डर ऑफ जी लग जाए ना तो यह हमेशा आइडेंटिटी हुंदा जे ए कोई ग्रुप का ऑर्डर एलीमेंट आ ए दे उपर ऑर्डर ऑफ ग्रुप रख दी ना यह हमेशा आइडेंटिटी हुंदा इहनू याद रखियो इहदा एलीमेंट आ इहदे उपर रखोगे तो यह हमेशा आइडेंटिटी बनना सो आ एन की है ऑर्डर ऑफ जी तो यह फिर आ गया ये उपर ए की बन जूगा आइडेंटिटी दूजा नाल दा उवें प्यार आ ए की आ गया फिर ए की पावर एम आर एक ही बराबर आ गया आइडेंटिटी दे ए की पावर एम आर आ जिहड़ा आइडेंटिटी दे बराबर आ गया एंड एक चीज़ होर आ भी एम आर छोटा एन तो सो इत्थे अच्छा ग्रुप का ऑर्डर क्यों आपां तुसीं ग्रुप का ऑर्डर भी ला लो चलो जी है जिहड़ा जनरेट की तो होया सी ए तो इस केस च ए दा ऑर्डर ते ग्रुप दा ऑर्डर की है सेम सो इहदा असल च एन ए दा ऑर्डर सी आए भी कह सकते हैं फिर भी तो इत्थे ए दा ऑर्डर एन आ इस करके आइडेंटिटी बन गया समझो आया कि अपने को देखो ए दी पावर एम आर इजिकल टू आइडेंटिटी बन गया तो एम आर की है एन तो छोटा ये किवें हो सकता राजे ए दा ऑर्डर जां कह लो कि ग्रुप दा ऑर्डर क्योंकि ग्रुप साइक्लिक है ये दोवें सेम होंदे आ ऑर्डर ग्रुप दा ते एलीमेंट दा वह एन ही होना चाहिए सी ए एन तो भी छोटा नंबर मिल गया एम आर जिहड़ा इहदे उपर टिकदा तो इहनू आइडेंटिटी बना दिंदा ये किवें हो सकता सो इहदा मतलब की होगा कि एम आर इह जिहा हो तो सकता पर वो जीरो दे बराबर होगा क्योंकि जीरो नूं आपां ऑर्डर नहीं मानते समझते हो किसी भी एलीमेंट की पावर जीरो ना जी आइडेंटिटी बन जाती है आपां नूं ऑर्डर जीरो नूं ऑर्डर मानते ही नहीं मतलब ये थोड़ी भी ऑर्डर ऑफ ए आप जीरो रख देंगे ऑर्डर हमेशा वन तो शुरू होंगे है सो यदा मतलब एम आर आ ना जिहड़ा ये ऑर्डर नहीं होना यह जीरो होगा तो यह एन तो छोटा भी है तो आइडेंटिटी भी बनाई जाता सो इहनूं मैं जीरो मान लिया अगले स्टैप क्योंकि एम तो नॉन जीरो आ मतलब की आ एम आर जीरो हो गया तो यदा मतलब आर आ जी वो जीरो आ गई इत्थे अपने कोल की आया कि आप उपर छु लिया सी एल के क्यू प्लस आर आ चीज़ मनी सी आर की होगी जीरो यदा मतलब एल आ गया के क्यू हुण इत्थे आए करो ए दी एल एलीमेंट आए करो एच डैश चो कोई एलीमेंट लो एक्स ये मैं अपने वालों प्रूफ कर लगा नाउ लैट एक्स आ जिहड़ा की होगा ए एल तो जनरेट होया होगा कोई शक ही नहीं ये ए एल की जगह पर एल की जगह पर के क्यू भरता हुण आए करो के क्यू नू इकट्ठा कर लो तो के टी वन उपर लै गो लै गया हुण ये देखो की बन गई पावर बन गई कि ए दी पावर क्यू दी मतलब आ जिहड़ा एलीमेंट आ इहदी पावर उपर कोई ना कोई इंटीजर पई आ पर इह जे एलीमेंट किहदे च आ इह जे एलीमेंट तां एच च आ क्योंकि उहदा हरेक एलीमेंट ए क्यू तो जनरेट हुंदा के टी वन समझ लग गई ना इत्थों तक ए क्यू दी कोई पावर होवे भावें इत्थे एस होवे चाहे इत्थे यू होवे चाहे इत्थे के टी वन होवे ए सारे पावर वाले एलीमेंट आ ना जिहड़े ए एच दे आ क्योंकि ए दी क्यू जिहड़ा है एच नूं जनरेट करदा सो अल्टीमेटली अपना जिहड़ा एलीमेंट सी एक्स एच डैश चो लिया पहुँच किहदे च गया एच च इहदा मतलब की आ क्लीयरली एच आ जिहड़ा ओह एच डैश आ जिहड़ा वह एच च पहुँच गया दूसरा की ऑर्डर ऑफ एच डैश ते एच दा ऑर्डर की है सेम क्योंकि दोवां दा ऑर्डर की है एम इहदा मतलब की हो गया एच ते एच डैश सेम हो गया इहदा मतलब की है कि लंग्रांजे थ्योरम दा कन्वर्स आ जिहड़ा वह साइक्लिक ग्रुप वास्ते तां ट्रू हो गया पर की आ उपर अपने को सब ग्रुप भी मिल गया तो वह यूनीक मिलता मतलब की है कि जी एक साइकलिक ग्रुप आ मान लो जी मान लो प्लस माइनस वन प्लस माइनस ऑयटा मैं तुहानू उदने शो करता सीगा कि यह आई तो जनरेट हुंदा ऑर्डर जी का किन्ना तुसीं कहोगे सर चार एलीमेंट दिख रहे हैं हाँ ओबियसली आई का ऑर्डर भी उन्ना ही हुंदा हुण चार नू डिवाइड करन वाले नंबर एक तो एक चार नू डिवाइड करदा एक दो चार नू डिवाइड करदा फिर चार चार नू डिवाइड करदा एक नंबर के कोरसपोंडिंग आपां नू एक सब ग्रुप मिलेगा जिहड़ा जिहदा ऑर्डर की होगा एक दो नंबर के कोरसपोंडिंग भी आपां नू एक सब ग्रुप मिलेगा जिहदा ऑर्डर होगा दो
इस दे ऑर्डर कोरसपोंडिंग भी आपां नूं एक सब ग्रुप मिलेगा जिहदा ऑर्डर किन्ना होगा चार। हुण किहड़ा किहड़ा होगा देखो एच वन दे कोरसपोंडिंग कल्ली आइडेंटिटी एलीमेंट वाला सब ग्रुप खत्म हो गया किस्सा। एच थ्री दे कोरसपोंडिंग जिहदा ऑर्डर चार वो पूरे का पूरा जी खुद जी उहदा ऑर्डर चार आ ते जी अपना सब ग्रुप हुंदा एक ग्रुप अपना सब ग्रुप हुंदा हमेशा क्योंकि अपना सबसैट हुंदा ही है जी जी का सबसैट आ सेम ऑपरेशन अंडर इन्हें ग्रुप भी बन जाना सो ग्रुप अपना सब ग्रुप हुंदा ही है ये डिस्कस किया होया थोड़े नाल। एच टू की आऊगा ये लभना पैना प्लस वन ते माइनस वन ते दो ऑर्डर दा मिलने किन्ने सीगे सिर्फ एक मिलना सीगा आ देखो सारे सब ग्रुप इहदे लभ ले। हुण जे मैं तुहानू कोई एवें मूँह चक के कह दिंदा वी चैक करो आ सब ग्रुप हैगा कि नहीं हैगा तुसीं कहोगे नहीं मैं कहूँगा क्यों तुसीं कहोगे आ पए जिन्ने होने चाहिए से आ असीं पहले ही कढ़े होए आ जां तुसीं कहोगे इहदा ऑर्डर किन्ना मैं कहूँगा तीन तुसीं कहोगे तीन चार नूं डिवाइड नहीं करदा क्योंकि इह साइकलिक आ ते तीन अपने जिन्हें भी सब ग्रुप मिलने हैं वो इन्हें ऑर्डर दे ही मिलने सके एक दो ते चार दे सो ये सब ग्रुप हो ही नहीं सकता तीन चार नूं डिवाइड नहीं करता ते वैसे अपन चलो अगे चल गए बस आ सब ग्रुप इतों आ काम तो वैसे भी ट्रू सी नॉन साइकलिक वास्ते भी जो तीन चार नूं डिवाइड नहीं करता सब ग्रुप किवें हो सकता क्योंकि सब ग्रुप तो डिवाइड करता ही हुंदा ग्रुप दे ऑर्डर नूं सब ग्रुप का ऑर्डर आ चीज़ अपन नवी मिली अपन सब ग्रुप लभ सकते हैं साइकलिक ग्रुप के सारे। फायदा कितने लग्या था फायदा इतने लग्या क्योंकि एच टू है जोड़ा दो ऑर्डर के तहत लगना चाहिए सी भी आ भी हो सकता दो ऑर्डर का हूँ एक कह तो नहीं दो ऑर्डर का क्योंकि दो ऑर्डर का एक ही लभना से अपन तो वह आह बन चुकया दूसरा ये आइडेंटिटी है नहीं जे सोलह ऑर्डर का ग्रुप आ तो ये किन्ने ऑर्डर के सब ग्रुप हो गए एक दो चार अठ ते सोलह बस यानी कि एक दो तीन चार ते पांच सब ग्रुप ये होंगे जे ये साइकलिक होया जे ना होया फिर सब ग्रुप तो इस ऑर्डर के ही होंगे हो सकता इन्हां चो कोई भी ना होवे जे होए तो यही होंगे हो सकता इन्हां चो कोई भी ना होवे जे साइकलिक होया तो ये सारे होंगे ही होंगे क्योंकि साइकलिक ग्रुप च कन्वर्स ऑफ लग्रांज थ्योरम ट्रू आ। चलो अगे चल गए मैं जिहड़ी चीज़ कहनी चाहुंदा लग्रांज थ्योरम की कहती है एक एक बार बस लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं फिर मैं छड्डन लगा लैक्चर। एच जे सब ग्रुप आ जी का मान लो दैन ऑर्डर ऑफ एच नूं ऑर्डर ऑफ जी नाल डिवाइड तो करना ही पैना मान लो जी का ऑर्डर आ जिहड़ा ये हैगा पंज तो ऑर्डर ऑफ एच कोले किहड़े ऑप्शन रह गए साइकलिक सुइकलिक नहीं मैं दस रहा मैं जस्ट लग्रांज थ्योरम आ ऑप्शनज कि रह गए वन ते फाइव क्योंकि पंज नूं दो ही डिवाइड करते हैं यदा मतलब कि हो सकता इत्थे पंज दी जगह सोलह ही ले लो ऑर्डर ऑफ एच दे ऑप्शन कितने रह गए वन टू फोर एट ते सिक्सटीन हो सकता ऑप्शनज आ ये दीज आर ऑप्शनज लग्रांज थ्योरम दे अकॉर्डिंग हो सकता इस ऑर्डर जिहड़ा भी सब ग्रुप होगा वो वन ऑर्डर का एग्जिस्ट करे हो सकता इस ऑर्डर का भी एग्जिस्ट करे हो सकता एग्जिस्ट करे हो सकता एग्जिस्ट करे हो सकता एग्जिस्ट करे हो सकता ना करन लग्रांज थ्योरम इनकंप्लीट जी आ हो सकता टू ऑर्डर का ना हो सकता फोर ऑर्डर का नाम लभे हो सकता अठ ऑर्डर का ना लभे हो सकता यही दो होन एक वन ऑर्डर का एक पूरा ग्रुप आप इस तो अलावा कोई सब ग्रुप ही ना हो लग्रांज थ्योरम तो यह कहती है भी जिहड़ा भी सब ग्रुप होगा वो इन्हां चों ही कोई ना कोई होगा क्यों क्योंकि पंज ऑर्डर का जे तुसीं कहोगे मैं कहूँगा नहीं भाई पंज सोलह नूं डिवाइड नहीं करता तो लग्रांज थ्योरम कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर नूं हमेशा डिवाइड करेगा क्योंकि पंज सोलह नूं डिवाइड नहीं करता सो मैं कदे भी इह जिहा एच नहीं लभ सकता जी दे अंदर जिहड़ा कि आ कंडीशन नूं फॉलो करे लग्रांज थ्योरम वाली कंडीशन नूं क्योंकि पंज सोलह नूं डिवाइड ही नहीं करता ये सोलह वा ये पंज आ सो पंज ऑर्डर का नहीं मिलेगा उस तो बाद छे ऑर्डर का भी नहीं मिलेगा क्योंकि छे ते सोलह भी नहीं डिवाइड करते सत्त ऑर्डर का भी नहीं मिलेगा अठ ऑर्डर का मिल सकता मैं कह रहा मिल सकता लग्रांज थ्योरम कहती हो सकता ना मिले
पर कन्वर्स लंगरांजेज थ्योरम का कन्वर्स आ जिहड़ा साइकलिक ग्रुप का वह की कहिंदा, वह कहिंदा मिलूगा ही साइकलिक ग्रुप नाल होण नाल ही की फायदा हो गया आपां नूं। इत्थे तां अधूरी जी थ्योरम सी, इह कहिंदी सी वी मिल सकदा आह ऑप्शन आ तुहानूं, कहिंदी लंगरांजेज थ्योरम कहिंदी वी आह एडवाइजर आ ये हो सकते आ, हो सकता ना हो, पर साइकलिक थ्योरम जिहड़ा आपां हुणे कन्वर्स कीता वह की कहिंदा, वह कहिंदा बई एक 16 नूं डिवाइड करदा, वह कहिंदे आपां कहा हाँ वह थ्योरम सैकेंड पार्ट आ जिहड़ा हुणे करके हटे आ, यह कहिंदा फिर एक ऑर्डर का सब ग्रुप भी मिलेगा। दो डिवाइड करदा तुसीं कहा हाँ फिर मिलेगा, कहिंदे पक्का हैगा। चार करदा हैगा पक्का, अठ करदा हैगा पक्का, 16 करदा पक्का, साइकलिक ग्रुप आ तां सब ग्रुप ये मिलणगे ही। पर जे साइकलिक नहीं दैन इन्हां चों ही मिलणगे, हो सकदा कोई भी ना मिले, इन्हां तों इलावा कुछ नहीं मिलेगा। जे मिलणगे तां इन्हां चों ही मिलणगे। आ जिहड़ा हुण रिजल्ट कीता साइकलिक वाला, ये की कहिंदा, ये कहिंदा मिलणगे ही, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। जिहड़े 16 दे एडवाइजर नहीं गे, जिवें 5 आ 7 आ, ये तो रेस चों ही बहर आ राजे, ये तो ये भी रेस चों बहर आ, ये भी रेस चों बहर आ, क्योंकि डिवाइड ही नहीं करते। समझ लगी? चलो अगे चलिए। साइकलिक ग्रुप की राजे एक थ्योरम आ जी प्राइम ऑर्डर की, मैं थोड़े तो छड़न लगा 11 ते 12। मैं एक बार अगे जाना चाहना तू इंडैक्स वाले दो रिजल्ट आ, थ्योरम आ हैगी आ, ये करवाती सी एच के के एच नॉर्मल आ थ्योरम। एक मैं वीडियो पाई सी वो थ्योरम आ गई सी, देखो 2.4.2 मैं संडे वाले दिन भेजी सी करके। आ जिहड़ा पार्ट है ये ऑलरेडी जिहड़ा पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो सी 2.4.3 वो सी, आ भी वो हैगी 2.4.4 इंडैक्स 2 वाली, जिथों तक मैनू लगता आ सेंटर ऑफ जी वाली मैं वो करवाती हाँ, एग्जाम्पल 3 हो चुकी है, आ 2.4.4 हो चुकी है, 2.4.3 हो चुकी है, 2.4.2 हो चुकी है, ये जड़ियाँ थ्योरम हो चुकी उन्होंने नाल ही निशानी ला लिया करो। हाँ आ करवाउन लगा मैं एग्जाम्पल 6, इस तो बाद मैं एक दो एग्जाम्पल होर करूँगा जड़ियाँ सौखियाँ ना वो तुहाडे ते मैं छड़ रहा, कोशंट ग्रुप से मैं फटाफट आ जाता कि इस तो बाद आप अगला स्टार्ट कर लेना एग्जाम। एक और आधे घंटे का हो गया लैक्चर। प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन राइट कोसेट If and only if H, product of two right coset of H is again if and only if H is normal। मतलब की है, की शो करना चाहता थ्योर स्टेटमेंट समझा देना, लैक्चर कल लगेगा नाराज उ गल आ, फिर अज NSS करके मैं रैली क्ढन लगा वा। मैं मतलब बहुत राजे मतलब हो जाता किसी किसी टाइम, NSS का इन्ना ज़्यादा कम आ रहा, मैं मेरे लैक्चर से असर पै रहा उस चीज़ का, तो फिर भी चलो रिकॉर्डेड है पिछले साल के, उन्होंने थोड़ी बहुत हैल्प मिल जाती, ता ही मैं संडे लैक्चर लाई जाना। मतलब कदे कदे तो इंपॉसीबल जहा लगता जे इन्ना काम आ जाता। अगले मंथ की पूरी कार्रवाई की फिर चिट्ठी आ चुकी है, 1 to 31 अक्टूबर तक क्लीनिंग का समथिंग कुछ मना पूरा महीना। सितंबर आ जोड़ा पोषण माह तो मनाया, पोषण महीना कहा जाता सितंबर न, उस एक्टिविटियाँ आई जा। एच इज़ ए नॉर्मल आ मैं समझा लगा हूँ, मतलब यार मैं हैरान हो जाना कि बई किमें इस चीज़ को किमें मैनेज किया जा सकता, एक बंदा किमें मैनेज कर सकता ए इन्ना सारा काम। तो फिर भी चलो करी जाने है ना, मतलब थोड़ा जा पढ़ाई नाल रिलेटेड भी एक्टिविटियां होनी चाहिए, अपना मैथ का भी कुछ क्विज़ वगैरह हो जाए, पहला सिलेबस हो जाए, क्विज़ तो बाद च होगा ना। चलो कोई गल नहीं, जो मिलता अपना अपना काम तो सिर्फ कम करना राजे, जी जिन्हें सरकार ने जो भेजे अपन करना पैना। दो राइट को सैट लिखे आ इन्हों की प्रोडक्ट, कहता फिर राइट को सैट बनूगी, की बनूगी मैनू नहीं पता। इफ एंड ओनली इफ कहता एच इज़ नॉर्मल,
ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਥਿਊਰਮ 'ਚੋਂ ਨੇ ਗਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਬਣੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 4 ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਆ ਰਾਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਭੇਜਣਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 1% ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1% ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ।